तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम हासिल होने पर गरीब मुस्तहक आवाम में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस्तीफादा कुनिंदगान सीएम केसीआर से शुक्रिया अदा करते हुए दुआओं से नवाज रहे हैं। बीबीएन के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद ने सैयद रहमत अली से बात की, जिन्हें हुकूमत ने डबल बेडरूम अलॉट किया है। रहमत अली ने जज्बाती अंदाज में अल्लाह और फिर सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। आदाब नारीन, बीबीएन न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। डबल बेडरूम का जो सिलसिला चल रहा है, आज ये इनको डबल बेडरूम हासिल हुआ है। मैं आइए, मैं इनसे बात कराने की कोशिश करूँ। बताइए, ये डबल बेडरूम हासिल करने के बाद आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है और कितने ज़माने से आप ये घर के लिए कोशिश कर रहे थे? जी, ये घर जो हमारे बहुत खुशी की बात है, बेहद खुशी है। 2016 सात साल आठ साल और हमारे बुक करके करीब 30-40 साल से किराए पे हैं। और केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, बहुत बड़ा काम है। और हमारे एरिए के MLA माकंडी गोपीनाथ साहब भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर बस्ती में रोडा ओडा और डेनिस के काम, लाइटा और पानी भी सब हर चीज़ चल रहा है। तेलंगाना आए जब से हम, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर और ख़ासतौर गरीबों के लिए बहुत हो रहा। और मैं अभी तक ये तेलंगाना गवर्नमेंट आए जब से मेरे दो बेटियों की शादियाँ हुए और दो बेटियों के शादी मुबारक लिया और मैं पेंशन भी हासिल कराऊँ और मुझे पेंशन आ रहा। यहाँ मैं इतर की दुकान लगाता हूँ, मैं एक बेरोज़गार हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो अल्लाह ताला मुझे ये करा। और केसीआर साहब के दिमाग में जो गरीबों के लिए सोच है, और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनको और उम्र इजाफा करे और उनका अल्लाह ताला का एहसान मंद और उनका मैं एहसान मंद रहूँगा ज़िंदगी भर। आप किराए के घर में हैं तो उसका किराया वगैरह क्या रह रहा था आप, क्योंकि आप एक छोटा सा कारोबार कर रहे, इसको कारोबार में अभी आप बता रहे थे, मैं अपने दो बच्चियों की शादी करा, फिर शादी करने के बाद मेरे को TRS गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को शादी मुबारक वगैरह ऐसा मिले, क्या आपको पेंशन वगैरह भी आ रहा है? जी हाँ, पेंशन आ रहा, 2000 पेंशन आ रहा मेरे को, 2000 पेंशन आ रहा। और बच्ची की शादियाँ मैं जो खर्चा करके करा और वो पैसे आए, वो खर्चा अदा करा और चंद हमारे भाई लोग भी हमारे साथ भी मदद करे, उसलिए मेरी बच्चियों की शादियाँ हुई। और मकान का किराया 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक तनख्वाह वो किराया देते रहता हूँ। और ये कारोबार में आते और अल्लाह का एहसान है और उसकी बरकत से मेरी घर चल रही, मेरे बच्चे चल रही और मैं, मेरी बीवी और बच्चे रहते। बताइए आप, और दूसरे लोग भी आपके साथ अप्लाई करे थे, आज आपको मिल गया, तो ये आप बता रहे कि 10 तारीख को आपको घर की चाबी वगैरह देने वाले हैं, तो आपके साथियाँ और आपके बस्ती के लोग भी कुछ अप्लाई करे हुए हैं, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये लोग भी परेशान परेशान फिर रहे, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इनको? हमारे साथियों को बस्ती में हमारे तकरीबन भाई लोगों को मिला और आ गया भी है, लोगों को थोड़े लोग चाबियाँ भी ला लिए। मेरे को 10 तारीख का टाइम है और जो भया जो अप्लाई करके बैठे हुए वो लोग बेफिक्र रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो और हुकूमत पे भरोसा रखो, वो लोगों की भी लकी ड्रा से आ जाएगा पूरा, क्योंकि माकंडी गोपीनाथ और हरीश राव साहब भी बोल चुके हैं वहाँ पर कि करीब सबको 500-500 घर के हिसाब से सबको दिया जाएगा बोल के लकी ड्रा से। और मैं वो लोगों से बोल रहा हूँ कि बराबर वो लोगों को भी मिलेगा और हम दुआ करेंगे उनके लिए। मेरा नाम सैयद रहमत अली है और मेरी बीवी का नाम नसरी सुल्ताना है, मेरी बीवी के नाम पे आया घर। माह रबीउल अव्वल के मौके पर उमराह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई, मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में ख्याम, 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत, मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत और तमाम मुकद्दस मकामात की ज़्यारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में ख़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स, तैबा मार्केट नियर ओल्ड चार मीनार, बस डिपो, हैदराबाद।